welcome back. We are meeting after a very long time, since it was summer vacation and your examination was also going on. That's why we were not, you know, putting videos on school's website. But once again, we have started putting videos, and you will have to go through it. And with this series, today we are going to learn third chapter of your English literature book, and the chapter name is A Mad Tea Party, which is written by Lewis Carroll. It is his pen name, Lewis Carroll. His original name is Charles Ludwig Dodson. Charles Ludwig Dodson was born in 1832 and was died in 1898. He was born in England, so he was a British author. He was a writer, a mathematician, a priest, and a photographer as well. He is best known for his nonsense prose and poetry, including Alice's Adventure in Wonderland, Through the Looking Glass, What Alice Found There, and The Hunting of the Snark. He often used the technique of wordplay in his writings, and which was widely appreciated. So it said about the author, about the writer, his pen name is Lewis Carroll. उनका जिस नाम से वो अपनी रचनाएं लिखते थे वो नाम था उनका Lewis Carroll. But उनका असली नाम, his real name is Charles Ludwig Dodson. उनका अपना वास्तविक नाम Charles Ludwig Dodson था. वो 1838 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1832 ईस्वी में पैदा हुए थे और 1898 ईस्वी में वो मर गए. वो एक ब्रिटिश लेखक थे, प्रोज पोएट्री वगैरह लिखते थे. वो पादरी भी थे, फोटोग्राफी भी करते थे वो, और लिटरेचर के साथ साथ वो एक अच्छे मैथमेटिशियन भी थे. साहित्यकार के साथ साथ वो एक अच्छे गणितज्ञ भी थे. उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, जैसे एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड, जिससे कि ये चैप्टर लिया हुआ है, उसी प्रोज से, उसी कहानी से ये चैप्टर हमारा एक्सट्रैक्ट किया हुआ है, अ मैड टी पार्टी. अलग अलग वो अपनी रचनाओं में अक्सर वर्ड प्ले यूज किया करते थे. वर्ड प्ले क्या होता है वो हम चैप्टर में आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा कि व्हाट इज वर्ड प्ले एक्जैक्टली. एंड ही यूज्ड दैट टेक्निक, और उसके लिए वो बहुत, उनको प्रशंसा भी मिलती थी. ही वॉज वाइडली अप्रिसिएटेड फॉर दैट. ही वॉज वाइडली अप्रिसिएटेड टू यूज वर्ड प्ले इन हिज लिटरेचर, इन हिज राइटिंग्स. लेट्स कम, वी विल नाउ गो थ्रू द चैप्टर, दैट इज अ मैड टी पार्टी. Has curiosity ever got the better of you and landed you in an unpleasant situation? क्या कभी ऐसा हुआ है कि आप कौतूहल वश, जिज्ञासा वश कुछ जानने को निकले हो और उस की वजह से आपको किसी अनप्लीजेंट सिचुएशन का सामना करना पड़ा हो, कुछ अलग तरह का, कुछ कष्टदायी, कुछ मतलब बुरे परिस्थितियों का सामना करना पड़ा हो? क्या कभी ऐसा हुआ है? This is exactly what happened to Alice, a young girl who followed a white rabbit only to fall down a rabbit hole and enter a magical kingdom ruled by a cruel queen. This extract from Alice's Adventures in Wonderland describes Alice's encounter with a hat maker and his companions, with whom she sits down to a rather unusual tea party. और
इस कहानी में एक्सैक्टली वही हुआ है, बिल्कुल तौर पे वैसे ही हुआ है कि इसमें एक लड़की एलिस जो छोटी सी बच्ची है वो एक सफेद खरगोश को पीछा करते हुए उसके पीछे दौड़ते हुए जाती है और खरगोश के मांद में गिर जाती है और फिर फाइनली वो पहुंच जाती है एक ऐसे जादुई राज्य में जिसकी रानी, जिसकी महारानी एक बहुत ही निर्दयी थी, औरत थी, वो शासन करती थी वहां पे। और वहां पे वो मिलती है जाके एक हैटर से, एक टोपी बनाने वाले, हैट बनाने वाले आदमी से और उसके कुछ कंपेनियंस के, उसके कुछ साथियों से। और उनके साथ वो एक अनयूजुअल, दैट्स नॉट यूजुअल, कुछ असामान्य परिस्थितियों, बस परिस्थितियों में वो एक उनके साथ टी पार्टी पे बैठती है, चाय की पार्टी होती है, चाय की टेबल पे वे लोग बैठते हैं और वहां पे वे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। That we will get to know in chapter. There was a table set out under a tree in front of the house, and the March Hare and the Hatter were having tea at it. A dormouse was sitting between them, fast asleep, and the other two were using it as a cushion, resting their elbows on it and talking over its head. Very uncomfortable for the dormouse, thought Alice, only as it's asleep, I suppose it doesn't mind. एक बहुत ही एक टेबल बिछा हुआ था एक पेड़ के नीचे, बड़ा सा टेबल था और उसके एक तरफ मार्च खरगोश बैठा हुआ था। एक घर के आगे एक पेड़ के नीचे एक टेबल लगाया हुआ है और उसपे मार्च खरगोश उस टेबल के साइड में बैठा हुआ है, उसके बगल में हैटर बैठा हुआ है और वे लोग चाय पी रहे हैं। और इन दोनों के बीच में मार्च खरगोश मार्च खरहा और हैटर के बीच में डॉर्माउस बैठा हुआ है और वो एकदम से सोया पड़ा हुआ है, सो रहा है उन दोनों के बीच में बैठ के। और ये दोनों अपना कुछ केहूनी, अपना एल्बो कोहनी उसके शरीर पे रख रहे हैं और उसको एक कुशन की तरह, एक तकिया की तरह यूज कर रहे हैं और उसके सर के ऊपर से ये लोग बातचीत कर रहे हैं। और ये देख के एलिस सोची कि वेरी कंफर्टेबल फॉर द डॉर्माउस, वेरी सॉरी अनकंफर्टेबल फॉर द डॉर्माउस, मतलब बीच में कोई बैठा हुआ है और उसके एक तरफ से इसके इस कांधे पे कोई दो लोग दो हाथ रख के और उस पे वजन डाल के बैठे हुए हैं, तो वो इट इज वेरी अनकंफर्टेबल, ये बहुत ही कष्टदायी सिचुएशन होता है, दिक्कत वाली बात होती है। वैसे ही वो उसको हो रहा था लेकिन फिर एलिस ने सोचा कि ये सिर्फ डॉर्माउस सो रहा है, इसकी वजह से वो इस पे कुछ ध्यान नहीं दे रहा है क्योंकि वो नींद में है, सो रहा है तो उसको इस पे ध्यान कुछ नहीं दे रहा है कि कौन मेरे शरीर पे हाथ रख रहा है और कौन क्या कर रहा है। The table was long one, but the three were all crowded together at one corner. वो टेबल बड़ा सा टेबल था लेकिन वो तीनों डॉर्माउस मार्च हेयर एंड हैटर वो तीनों एक ही साइड पे, एक ही कॉर्नर पे, एक ही किनारे पे, एक ही कोने में बैठे हुए थे और बाकी का पूरा टेबल वैसे ही खाली छोड़ दिया था उन लोगों ने। नो रूम नो रूम दे क्राइड आउट व्हेन दे सॉ एलिस कमिंग, और जब उन्होंने देखा कि एलिस उनकी तरफ आ रही है तो वे लोग जोर जोर से चिल्लाने लगे कि यहाँ पे कोई जगह नहीं है, कोई जगह नहीं है। देर इज प्लेंटी ऑफ रूम, सेड एलिस एंग्रीली एंड शी सैट डाउन इन अ लार्ज आर्मचेयर एट वन एंड ऑफ द टेबल। और फिर जब एलिस वहां पहुंची तो उसने जोर से गुस्से में बोला कि यहाँ पे बहुत सारी जगह है और फिर वो भी टेबल के एक किनारे पे एक बड़े से आर्मचेयर में, बड़े से एक आराम कुर्सी में बैठ गई। इट वॉजंट वेरी पोलाइट ऑफ यू टू सिट डाउन विदाउट बीइंग इनवाइटेड, सेड द मार्च हेयर। और जब एलिस वहां पे बैठ गई तो मार्च हेयर ने, मार्च खरहे ने, खरगोश ने उसको बोला कि यह एक अच्छी बात नहीं है, यह शिष्टाचार नहीं है
कि तुम बिना आमंत्रित किए ही, बिना इनविटेशन के ही वहां पे आके बैठ गई हो। आई डिडंट नो इट वॉज योर टेबल, सेड एलिस, इट इज लेड फॉर अ ग्रेट मेनी मोर देन थ्री। मुझे नहीं पता था, मैं नहीं जानती थी कि यह तुम्हारा टेबल है और इस टेबल पे तीन से ज्यादा लोग भी बैठ सकते हैं। योर हेयर वॉन्ट्स कटिंग, सेड द हैटर, he had been looking at Alice for some time with great curiosity and this was his first speech. तुम्हारे बाल कटना चाहते हैं, तुम्हारे बालों को अब कटना चाहिए, हैटर ने बोला, जो एलिस को कुछ देर से एकदम जिज्ञासावश, कौतूहलवश वो सिर्फ उसको देख रहा था। ये उसकी पहली बात थी, हैटर ने पहली बार वहां पे बोला था। You should learn not to make personal remarks, Alice said with some severity. It is very rude. फिर एलिस ने हैटर को बोला कि तुम्हें ये बात पता होना चाहिए, तुम्हें ये बात जाननी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति पे, किसी भी आदमी पे पर्सनल रिमार्क्स, व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करना चाहिए। ये बहुत ही रूड है, ये बहुत ही असभ्य है, अशिष्टाचार वाली बात है। The hatter opened his eyes very wide on hearing this, but all he said was, "Why is a raven like a writing desk?" ये सुनके हैटर ने आश्चर्य से उसकी तरफ देखा, लेकिन वो सिर्फ इतना ही कह सका कि क्यों एक काला कौवा एक राइटिंग डेस्क को पसंद करता है। Come. We shall have some fun now. I'm glad they have begun asking riddles, thought Alice. Alice ने सोचा कि चलो अच्छा है, अब हम थोड़ा मजे करेंगे, फन लेंगे, और इन्होंने रीडल्स मतलब पहेलियां पूछना शुरू भी कर दिया है। I believe I can guess that, she added aloud. और फिर उसने बोला, जोर से बताया कि हाँ, मैं विश्वास करती हूँ, मैं यकीन करती हूँ कि मैं ये तुम्हारे इस पहेली का जवाब गेस कर सकती हूँ। Do you mean that you think you can find out the answer to it? said the March Hare. फिर मार्च खरगोश ने बोला कि तुम्हारा मतलब है, क्या तुम्हारा मतलब है कि तुम सोचती हो कि तुम इस पहेली का जवाब दे सकती हो? Exactly so, said Alice. बिल्कुल ऐसा ही है, एलिस ने बोला। Then you should say what you mean, the March Hare went on. फिर मार्च खरगोश ने आगे बोला कि ठीक है, फिर तुम्हें कहना चाहिए कि तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने क्या गेस किया इस पहेली का। I do, Alice hastily replied. At least I mean what I say. That's the same, you know. मैं गेस करती हूँ, एलिस ने बोला, और फिर उसने जल्दी से रिप्लाई किया कि कम से कम मैं जो कहती हूँ उसका वही मतलब होता है। वो पहेली नहीं होता कि कहना कुछ और उसका मतलब कुछ और हो। पहेलिया में अक्सर ऐसा होता है, जब हम पहेली समझाते हैं या पहेली पूछते हैं किसी को, तो हम कहते हैं कुछ और है बट उसका मतलब कुछ और होता है। और एलिस यहाँ पे कह रही है कि तुम्हारी तरफ मैं पहेलियां नहीं बुझाती हूँ, मेरे कहने का मतलब भी वही होता है जो मैं कहती हूँ। नॉट द सेम थिंग अ बिट, सेड द हैटर, यू माइट जस्ट एज वेल से दैट आई सी व्हाट आई ईट इज द सेम थिंग एज आई ईट व्हाट आई सी। जो तुम कहती हो वही तुम्हारा मतलब होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि तुम कहो कि आई सी वॉट आई ईट, मैं जो खाती हूँ वो मैं देखती हूँ, मैं देख के खाती हूँ, का मतलब बिल्कुल वही हुआ जब हम ये कहें कि मैं जो देखती हूँ वो मैं खा लेती हूँ। दैट इज डियर स्टूडेंट्स एक्चुअली वर्ड प्ले। I see what I eat and I eat what I see. These two sentences are example of
वर्ड प्ले। वर्ड प्ले में क्या होता है एग्जैक्टली कि वर्ड्स वही रहते हैं। आप जब भी बुक देखना तो उस पे देखना कि आई सी व्हाट आई ईट, पहला सेंटेंस, दूसरा सेंटेंस आई ईट व्हाट आई सी, कहीं से भी कोई मतलब जोड़ घटाओ वर्ड्स में नहीं किया हुआ है, कुछ एक्स्ट्रा वर्ड्स उसमें नहीं जोड़े गए हैं, ना ही कोई वर्ड्स इसमें से काटा गया है। बस सिर्फ हुआ क्या है कि वर्ड्स हेर फेर किए गए, उनका जगह बदला गया है। पहले सेंटेंस में आई सी पहले है, आई इट बाद में है, दूसरे सेंटेंस में आई इट पहले है, आई सी बाद में है, और सिर्फ शब्दों के हेर फेर से उनका मतलब बिल्कुल अलग अलग हो जाता है। पहले शब्द, पहले सेंटेंस का मतलब ये हुआ आई सी व्हाट आई इट, इट मीन्स व्हाट एवर आई इट आई सी दैट, मैं उसे देखभाल के अच्छे से खाता हूं, मैं जो भी खाता हूं देख के खाता हूं। एंड सेकेंड सेंटेंस सेज आई इट व्हाट आई सी, कि मैं जो भी देखता हूं वो मैं खा जाता हूं। बट एक्सैक्टली इट्स नॉट लाइक दैट, आई कैन सी द बुक, आई सी अ पेन टेबल बेंच डेस्क, बट आई डू नॉट ईट दैट, मैं जो देखता हूं वो मैं नहीं खाता हूं। मैं बुक देखता हूं, किताब देखता हूं, मैं कलम देखता हूं, मैं बेंच डेस्क बोर्ड सब देखता हूं, बट वो चीजें हम खा नहीं सकते। हाँ, हम ये कहते हैं कि हम जो भी खाते हैं वो चीज हम देख के खाते हैं। इफ आई एम ईटिंग एन एप्पल आई कैन सी दैट, मैं उसे अच्छे से देख के और फिर मैं उसे खा सकता हूँ। इफ आई एम ईटिंग अ ब्रेड आई कैन सी दैट, बट इफ आई एम सीइंग अ बेंच अ बुक आई कैन नॉट ईट दैट, राइट? सो दिस इज कॉल्ड वर्ड प्ले। यू माइट जस्ट वेल, जस्ट एज वेल से एडेड द मार्च हेयर दैट आई लाइक What I get is the same thing as I get what I like। और फिर मार्श खरहे ने आगे पूछा कि फिर तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि दोनों चीजें एक ही है, कि तुम ये कहो कि जो मुझे मिलता है वो मुझे पसंद है और जो मुझे पसंद है वो मुझे मिल जाता है, वो मैं ले लेता हूं, एक ही बात है। You might just as well say under the dormouse who seemed to be talking in his sleep that I breathe when I sleep is the same thing as I sleep when I breathe। और फिर उसके बाद डोरमाउस बोला, आंख बंद किए किए ही बोला, जैसे लगे कि वो नींद में ही बड़बड़ा रहा था। उसने बोला कि तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि मैं सोता हूं तो सांस ले रहा होता हूं, मैं सांस लेता हूं, और जब भी मैं सांस लेता हूं तो मैं सो जाता हूं, दोनों एक ही बात है। एंड डियर स्टूडेंट्स, यू कैन सी दिस थ्री सेट ऑफ सेंटेंसेस, आई सी व्हाट आई ईट एंड आई ईट व्हाट आई सी, आई लाइक व्हाट आई गेट एंड आई गेट व्हाट आई लाइक, एंड आई ब्रीथ व्हेन आई स्लीप एंड आई स्लीप व्हेन आई ब्रीथ। These three set of sentences are called word play। इसमें शब्दों का सिर्फ हेर फेर होता है, कोई भी शब्द कोई भी वर्ड हम नया एड नहीं करते, ना ही उसमें से कुछ वर्ड हटाते हैं। We just rearrange the words and it produce a quite new meaning of that। हम सिर्फ शब्दों को रीअरेंज करते हैं, यहां से उठा के वहां रखना, वहां से उठा के वहां रखना, और फिर उसके बाद एक बिल्कुल ही नया मतलब निकल के सामने आता है। दैट्स ऑल फॉर द डे। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द चैप्टर। थैंक यू वेरी मच।